नई संसद भवन देखने हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने के समय देश के विभिन्न हिस्सों से भारी संख्या में महिलाएं लोकसभा पहुंची, जहां उन्होंने लोकसभा की कार्रवाई देखी, वहीं लोकसभा की नई बिल्डिंग का भ्रमण किया। यमुनानगर वापस लौटकर हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा नेत्री मलिक रोजी आनंद ने अपने अनुभव साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आज देश की महिलाओं का वह सपना पूरा हुआ है जो उन्होंने कभी लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा देखने के लिए वर्षों पहले लिया था। आज हम लोग अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आमंत्रण पर हम लोग जो थी नई संसद उसको देखने गए थे। आज आप देख रहे हैं कि हम बस में अभी बैठे हैं और घर वापस जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं में बहुत उत्साह है। हम यमुनानगर से 100 महिलाएं गई थी और सभी के चेहरे आज खुशी से खिले हुए ग्लो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कभी बहुत पहले सोचा था कि काश ऐसा हो कि हमें भी लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में हमें भी बैठने का मौका मिले, हम भी कंटेस्ट कर सके, और वो जो इच्छा है वो आज हम पूर्ण हुई है और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि हमें नई संसद देखने का आज मौका दिया। मेरा नाम उमा शर्मा, महिला मोर्चा रक्षा मंडल अध्यक्ष। आज हम नई संसद को देख के आए हैं, उसके लिए पहले धन्यवाद तो मैं करती हूँ अपनी रोजी दीदी जी का, जो हम सब बहनों का इतना ध्यान रखती हैं। उन्होंने आज हमारा सपना पूरा किया है, कभी हमने सोचा नहीं था कि हम जाएंगे, लेकिन आज हम संसद में जो गए हैं एक हमारे अंदर खुशी की लहर है। और सेकेंडली मैं मोदी जी का धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने हम महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, महिलाओं को सशक्त किया है, इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद। तो पहले कभी गए हैं, कभी पुरानी कभी हमने देखा ही नहीं था, वो आज एक होता जैसे हम उसके अंदर एंट्री की है तो किसी राजमहल में आए हैं, और हमारा सपना जो कभी टीवी में देखा था कि हम सोचते क्या है ये, आज वो हमें साक्षात उसके दर्शन हुए हैं तो बड़ा अच्छा लगा है।